हेलो सीटेट स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये वीडियो सीटेट स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं जब भी बोल रहा हूँ कोई वीडियो में कि बहुत खास होने वाला है या बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये सीटेट स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला भी है। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ CBSE NTA जो रिजल्ट को लेकर अपडेट दिया गया था CBSE के द्वारा, जो बताया गया था कि 15 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। फाइनली आज 16 तारीख है, तो क्या आज रिजल्ट कब आने वाले हैं, एक्यूरेट इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है रिजल्ट का, तो फाइनली इस पर मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से अपडेट कर देता हूं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग जिस तरह से सपोर्ट बनाए हुए और जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहना जितने भी सीटेट का स्टूडेंट हो, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं पल पल का अपडेट्स मैं शेयर कर पाता हूं आप लोग के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहना। जैसे ही रिजल्ट आएगा इसका भी सबसे पहले आप लोग को अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ भी अपडेट्स आते हैं, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, आंसर की, रिवाइज आंसर की, जो भी आते हैं सबसे पहले आप लोग को प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला जो एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है सीटेट का, और भी जितने भी टेट एग्जाम है सभी के रिगार्डिंग आप लोग के चैनल पर अपडेट्स दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कराना। चलो मैं बताया हूँ कि ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितने सीटेट का स्टूडेंट है। तो ये बात सही है, मैं आप लोग को बताता हूँ। आज के कुछ साल पहले रिजल्ट का बात बता रहा हूँ मैं और NTA का ही बात बता रहा हूँ। जो NTA है इनके द्वारा भी ये एग्जाम जो पेपर करवाते हैं NTA ही करवाते हैं। तो मैं बता दूँ, और CBSE इसका जो भी नोटिस होता है, जो भी अपडेट होता है CBSE प्रोवाइड कराया जाता है। तो CBSE के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था डेट। NTA का मैं बता रहा हूँ, NTA कुछ एक साल पहले का बात है, एडमिट कार्ड को लेकर बताया गया था, ये एक्यूरेट डेट दिया था कि जो एडमिट कार्ड है ये कुछ डेट दिए गए थे और इससे 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए थे। तो ये बात मैं CBSE में भी देख रहा हूँ। ये जो NTA वाला क्या था, ये नीट एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, डॉक्टर वाले होते हैं, इस पर क्या कहता है मैं बता रहा हूँ। और ये मैटर मैं CBSE का देख रहा हूँ, ये डेट देते हैं, ये डेट पे राजी नहीं रहते हैं। हेल्पलाइन नंबर से इतना मशक्कत के बाद मैं इनसे बात कर पाया, बात करने के दौरान जो अपडेट भी दिए हैं तो ये डेट पे खड़े तक नहीं उतर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका ये लापरवाही है और ये अपने मन से वर्क करते हैं। जो भी इनका वर्क रहता है अपने मन से वर्क करते हैं, इनको ना स्टूडेंट से मतलब है ना किसी से मतलब है। पिछले बार देखो, मैं कुछ भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये फैलेंगे तो सभी को खराब भी लगेंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे कि भाई ये इस तरह से भड़काऊ भाषण देता है, मैं तो नहीं देना चाहता हूँ। पर आप अपने मन से वर्क ना करें, जो स्टूडेंट के हित में रहता है, जो सपोर्ट में रहता है, इस तरह से वर्क करना चाहिए इनको। अगर रिजल्ट को लेकर ये अपडेट देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको समझना चाहिए, उसी दिन थोड़ा लेट दे पर इनको देना चाहिए। आज भी मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि अपडेट जो है हमेशा दोपहर तक अपडेट क्लियर हो जाते हैं सीटेट के रिगार्डिंग। कभी कॉल देखा गया कि लेट नाइट आते हैं, कभी कॉल शाम को आते हैं, ऐसे होता है कभी कॉल। तो अभी मैं फिलहाल अभी जैसा कि देख पा रहा हूँ तो इनको शायद लेट नाइट भी अपडेट दे सकते हैं। ये बात सही है, मैं मानता हूँ कि आप लेट नाइट भी अपडेट दे सकते हैं और देंगे भी, आपको देना जरूरी है क्योंकि आपने खुद अपडेट्स दिए हैं कि रिजल्ट आएंगे। तो पर ये गलत है, जो आप लोग का सिस्टम होता है, जो डेट आप लोग प्रोवाइड कराते हैं उसी डेट को आप लोग को रहना चाहिए। और जो क्योंकि जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं सभी को आशा लगा हुआ रहता है कि भाई आज रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद हमको ये काम करना है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग को भी टाइम बर्बाद होता है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को फोकस क्या करें, और जितने स्टूडेंट हैं मैं तो बोल ही रहा हूँ आप लोग को कहीं ज़्यादा भटकना नहीं है, ज़्यादा आप लोग को परेशान नहीं होना है। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रहें। मैं जब भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले आप लोग को लाइव आकर रिजल्ट चेक करने की कोशिश करूँगा, पल पल का अपडेट आप लोग के साथ शेयर करता